साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकारों में डॉक्टर सूर्य बालाजी एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मानसी, मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। कणा, ये जो 22 सालों बाद तुम अचानक अपनी इस मुडेर पर आ खड़ी हुई हो, ये सपना है क्या? नहीं, सच है कि वो तुम नहीं, तुम्हारी बेटी है। खूब लंबी लंबी दो रेशमी काली चोटियों और नुकीली भौं के बीच नन्ही मखमली रोली की बिंदी, बस इतना ही काफी था कणा, पूरे 22 साल बाद भी तुम्हारी बेटी की शिनाख्त के लिए। 22 साल पहले तुम ठीक ऐसे ही खड़ी होती थीं मुंडेर पर, दोनों कोहनियां टिकाए चिकनी रेशमी चोटियां इधर उधर यूं ही झूलती रहती थीं, जैसे आज तुम्हारी बेटी खड़ी है और जैसे उसकी चोटियां उससे बेखबर झूल रही हैं। गर्वित तो हूं ही इस पहचान पर, कहां मिला इन पिछले 22 सालों में तुमसे कभी, लेकिन कहां बिछुड़ा भी। मेरी आंखों के आकाश से एक पल को भी तुम्हारी रोली वाली बिंदी का सूरज डूबा क्या? कितनी अजीब बात है, तुम ये सब जानती भी तो नहीं ना? यही ये सूरज रोली और काली चोटियों की कहानी? आज तक नहीं कि ऐसे क्षण कणों की ढेर सारी हरी गुलाबी नीली पीली पुड़ियाँ मैंने अपने अतीत की डिब्बी में बंद कर रखी हैं। तुम नहीं जानती, आज तक नहीं कि उम्र की एक एक दहलीज पार करते, कोटों पर टहलते और अब उतरती उम्र की अधपुटी सीढ़ियाँ उतरते भी मैंने अपनी स्मृति की मुट्ठी में इस नक्काशीदार डिब्बी को कसकर पकड़े रखा है। संभवतः और थोड़े सालों बाद जब शरीर और जर्जर होगा, उंगलियां कांपने लग जाएं, तब भी ये डिब्बी मेरे हाथों से छूटेगी नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का कण कण तुमसे अभिषिक्त है। हफ्ते भर पहले टूर से लौटने पर जया ने यूं ही बातों के दौरान कहा जरूर था, उस सामने वाली हवेली में ना कोई लोग रहने को आए हैं, लेकिन मैं अपने छात्र छात्राओं सहित खगोल शास्त्र की चांद सितारों जड़ी दुनिया के ऐसे दुर्लभ ग्रंथ और प्रमाण पुष्टियों तथा शोधों की संभावनाएं लेकर लौटा था कि और कुछ सूझता ही न था। हजारों लाखों प्रकाश वर्षों की गति से संचालित ग्रह नक्षत्रों और सौर मंडल की अद्भुत गतिविधियां शोध छात्रों को समझाते समझाते मैं भी उसी सौर मंडल में ही पहुंच गया था। जैसे वापस जूनियर छात्रों में जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इन बुद्धों को इस लोक से उस लोक तक खींच ले जाना ही खासा मुश्किल काम होता है। शुरुआत के लिए रजिस्टर उठाया, अटेंडेंस की खानापूरी की समाप्ति तक आते आते आखिरी नाम पर अटक गया था। ये नया नाम, अचकचा कर गर्दन ऊपर उठाता हूँ तो हतप्रभ अवाक देखता रह जाता हूँ। चोटियों के फ्रेम में मड़ा एक स्पंदित होंठ और मुखर आंखों वाला सस्मित चेहरा, प्रेजेंट सर, वही होंठों को सिक्योर कर खिलखिलाती हंसी, वही ताजा धुली धुली निर्दोष दृष्टि और भौंओं के बीच लाल मखमली टिक्की। मैं हकबकाया देखता रह जाता हूँ, कणा कणा यहाँ कहाँ? ये कैसा चमत्कार है, एहसास की किस सदी में पहुँच गया हूँ मैं, या कि सचमुच नक्षत्र लोक में? सो एक अद्भुत एहसास की सदियों की दूरी नापता हूँ और मन ही मन कणा की बेटी की शिनाख्त करने की कोशिश करने लगता हूँ। वैसे ही संवार कर ओढ़ी गई ओढ़नी, ऐसे सिर्फ कणा की बेटी ही हो सकती है, दूसरी नहीं। हंसी आती है, पहचान उसे जिसे कभी जाना ही ना था, जिसके अस्तित्व तक के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। बेल बजी तो मैं मर्यादा शालीनता और परिपक्वता का कवच ओढ़े इस तरह स्टाफ रूम में आ जाता हूँ जैसे समूचा सौर मंडल जहाँ का तहाँ व्यवस्थित है, कोई उथल पुथल नहीं। चुपचाप शोध यात्रा से लाए नोट्स उलटने पलटने लगा। मे आई कम इन सर? मैंने अचकचा कर देखा, वो मेरे ही पास आई थी। यस, गुड मॉर्निंग सर, आई एम किरण कौशिक। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू किरण कौशिक? अब तक संभल गया था मैं। सर, मैंने तो हाफ टर्म ओवर हो जाने पर लिया है एडमिशन, पिछले टर्म के पोर्शन के लिए क्या करूँ मैं? एग्जाम में तो आएगा ही, फिर भी मैं उस पोर्शन को भी ठीक से समझ लेना चाहती हूँ। अगर सचमुच ऐसा सोचती और चाहती हो तो बहुत अच्छा। फिर वो खुश भी हुई, उदास भी, और हिचकते हुए से जोड़ा, लेकिन सिर्फ सेल्फ स्टडी से हो पाएगा, इसमें मुझे शक है। मुझे भी, मैं हंस पड़ा। अब के वो मुस्कुरा पड़ी, ठीक तुम्हारी तरह,
जैसे सचमुच नन्नी नन्नी किरणें छितरा पड़ी हों। उसके मुस्कुराते ही 22 साल पहले की सदी मुस्कुरा पड़ी, लेकिन जल्दी ही उसकी मुस्कुराहट एक शालीन संकोच में तब्दील हो गई और शालीन संकोच क्रमशः उदासी में। फिर क्या करूं? मैंने दाहिने हाथ की उंगलियां अपने माथे और बालों में फिराई, थोड़ा सोचा और निर्णय किया। फ्री लेक्चर्स में कभी कभार आ जाना हो जाएगा, थोड़ा रुककर अनायास ममत्व भरे स्वर में कह पड़ा, डोंट वरी। ओह थैंक्स थैंक्स सर। नमस्ते करो पलटी और खुश खुश दौड़ चली। अलस निष्प्रय भाव से गूंथ कर यूं ही छोड़ दी गई चोटियां लहराती गईं। शाम को घर लौटा, आदतन रोज की तरह बालकनी की रेलिंग पकड़ डूबते हुए सूरज के हजारों इंगुरी शेड्स देख रहा था कि धक, वो सड़क के दूसरी तरफ 5 मकान बाद वाली हवेली की मुंडेर पर कोहनिया टिकाए खड़ी है। अद्भुत, वही वही कणा की बेटी। तब जाकर याद आया, जया ने इसी हवेली को लक्ष्य करके तो कहा था कि कोई लोग आए हैं। इतने सालों कभी कोई रहा ही नहीं था इस हवेली में सिवा चौकीदार के। इतने सालों पहले भी कहा, तुम लोग सिर्फ छुट्टियों में आया करते थे अपनी इस पुश्तैनी हवेली में, छोटे बड़े भाई बहनों नौकरों चाकरों और माल असबाबों से लदे फंदे। उसके बाद साफ सफाई की सरगर्मी और नौकरों की भागदौड़ शुरू हो जाती, चिकें झाड़ी जाती, खसके पर्दे भिगोए जाते और सामने का छोटा लॉन खींचा जाने लगता। उस समय जाने क्यों मेरे किशोर मन का कोना कोना ठंडी फुहारों से खिंच हरिया जाता। सुबह शाम नौकर जलेबी समोसों और डबल रोटियों के पैकेट तथा खरबूजों के टोकरे लेकर तेज तेज बाजार आने जाने लगते। हम अपने छोटे से मकान की खिड़की से पढ़ाई खेल और यूं ही मटर गश्तियों के बीच जब तक झांक लेते, दो एक दिन बाद ही सुबह सुबह तानपुरे की मध्यम गूंज के साथ एक कच्ची मिठास भरी खुली खुली सी आवाज़ गूंजने लगती। अलस सुबह बागेश्वरी और विहाग के स्वर जैसे कोमल पंखी विहगों की तरह हवा के साथ साथ लहराने लगते। ये प्रभाती ज्योति धारा कर रही अभिषेक अर्चन, प्रभु तुम्हारा आज वंदन, आज वंदन, आज वंदन। घर में पिताजी माँ से कहते, हवेली वालों की लड़की संगीत का अभ्यास कर रही है। उन दिनों मैं कुछ भी करता होता, तुम्हारी प्रभाती वंदना की वो मधुर मीठी स्वर लहरी तान तोड़ों में मीड़ लेती, मेरे कानों में गूंजती रहती। आज वंदन यानी हर दिन वंदन। 1-2 साल हम रहते, 1-2 साल खुद छुट्टियों में बाहर गए होते, कभी तुम्हारे परिवार को सिर्फ आते या जाते देखते, क्योंकि या तो तुम्हारे आने के साथ हम अपने गांव जा रहे होते या हमारे लौटने के साथ तुम्हारा चौकीदार कमरों में ताले चाबियां लगा रहा होता। जब रहते तब देखते। पहले पहल तुम्हें नन्हे भाई बहनों के साथ अपने कंपाउंड में चौकीदार को पतला लंबा बांस पकड़ा जंगल जलेबियाँ तुड़वाते या चिलबिले बीनते। कभी अपनी माँ के चोरी छिपे किचन की जालीदार अलमारियों से अमचूर चीनी चुरा कर खटमिट्ठा चूरन बनाते या फिर चौकीदार के बच्चों के साथ आइस पाइस खेलते। कभी कभी चौकीदार के बच्चों का गाना सुनते या अपने सीखे गाने उन्हें बताते हुए। वे बच्चे तुम्हारे परिवार के आने पर खूब खुश और गदगद होते। उसके बाद क्रमशः उन छोटे से बड़े होते भाई बहनों और लंबी फ्रॉकें तथा स्कर्ट पहनती तुम्हें कभी छोटों को बचकाने सयानेपन से वर्जना की उंगलियां दिखाते, कभी बहकाते समझाते और कभी कभी जंगल जलेबी के उन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द या उसके तने से टिकी अधलेटी किताबों में खोई। सिलसिला चलता रहता और फिर एक दिन अचानक कार की टिक्की डोलचियाँ बैगों से भरी जाने लगती, कैरियर पर होल्डॉल और भारी भारी सूटकेस बांधे जाने लगते। तुम सब बैठकर चले जाते छुट्टियों के बाद, चौकीदार ताला लगा देता हवेली में। उस दिन और उसके बाद हफ्तों में अपने आप से अनजाने अपनी पढ़ाई की मेज वाली खिड़की से देखता तुम्हारी हवेली के सदर दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला। सुनसान कंपाउंड में थकी वयस्का के आंचल से हिलते केले के पत्ते, उदास खड़े जंगल जलेबियों के पेड़, उत्सव समाप्ति के बाद अलसाया लेटा चौकीदार, एक अजीब उचाटपन पसरा रहता कुछ दिनों, फिर धीरे धीरे सब वापस सामान्य। अचानक एक छुट्टी मैंने पाया, तुम्हारी पतली लंबी भौं के बीच एक नन्हा सा रोली का सूरज उगाया था और तुम खुशनुमा फूलों वाले सलवार कुर्ते पर सलीके से ओढ़नी डालने लगी थी। चोटियाँ और लंबी और रेशमी हो गई थीं।
तथा तुम गर्मियों की तपती दोपहर ढले पानी के छिड़काव के बाद सोंधी सोंधी गंध के बीच बरामदे में बैठे परिवारजनों और अभ्यागतों को करीने से ठंडे खरबूजे और शरबत सर्व करने लगी थी। चिलबिले बीनना तुमने पूरी तरह छोड़ दिया था। तुम्हारा बरामदा खूब चौड़ा आयताकार सा था और हर साल तुम्हारे परिवार के आने पर सुबह से शाम तक ज़्यादातर गतिविधियों का आभास उस बरामदे से लगता जाता था। मैं अपने छोटे से छज्जे पर मौका पाते ही खड़ा हो देखने लगता। मुझे बस अनजाने ऐसा आभास होता जैसे मैं एक बेहद सम्मोहक नाटक देख रहा हूँ। पुलकित प्रकंपित देखता, डूबा रहता, जाने कब कब, जाने कब तक। तुम्हारे घर मित्रों, रिश्तेदारों और अभिजात्य वर्गीय मेहमानों का आना जाना होता ही रहता। उनका आना तुम्हारे पिता का उन लोगों से तपाक से मिलना, अभ्यर्थना और वापस जाना, एक एक हाव भाव और संकेत, दूर से कोई मूक चलचित्र देखते रहने की सी तन्मयता व्यापी रहती उन दिनों। उन्हीं अभ्यागतों में एक साल कुछ विशिष्ट से अभ्यागत आए। हमने अपने छज्जे से देखा, किसी स्टेज का सा आभास देता तुम्हारा टेरेस उस दिन ज़्यादा करीने से सजा था। नौकर चाकर ज़्यादा मुस्तैद, परिवार उल्लसित। शाम को नई सी चमकीली, रंग याद नहीं, सिर्फ चमकीलापन याद है, कार आकर रुकी। मिले जुले उम्र के बच्चे, वयस्क और प्रौढ़ सब बड़ी अभ्यर्थना से बैठाए गए। नौकरों ने बड़े उत्साह और मुस्तैदी से शरबत सर्व किया। आज तुम सबके बीच शुरू से नहीं थी, ना शरबत ही सर्व किया तुमने। मेरा दिल अनजानी उत्तेजना से गड़गड़ाने लगा था। तुम बाद में संभवतः अपनी बड़ी भाभी के साथ चांदी की बड़ी सी आयताकार ट्रे लिए आई और उसे अभ्यागतों में एक दो के सामने घुमाकर चुपचाप एक ओर ईषत संकोच और शालीनता से लिपटी बैठ गई थी। मुझे याद है उस दिन तुमने खूब पतले जरी बॉर्डर वाली पंखों सी हल्की गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। सलवार कुर्ते और सलीकेदार चुन्नी नहीं थी। अभ्यागतों की तरफ से आई एक सुदर्शना ने शायद आगे बढ़कर तुम्हारा आंचल फल फूलों और सूखे मेवे से भर दिया था और तुम्हारे पास खड़ी हो तुम्हारी दोनों चोटियां इधर उधर संभाल कर एक लंबी सी चेन गले में डाल दी, पीछे से हुक बंद कर दिया था। कैसा अद्भुत एहसास था कणा वो मेरे लिए, वो क्षण तुम्हारे रोमांच का था ना। फिर मैं क्यों रोमांचित, सम्मोहित, ठगासा देखता रह गया। सोचा जाने क्या क्या अपने आप से अनजाने। उनमें बस एक कल्पना याद है, कल्पना थी वो लड़की दुल्हन बनने पर कैसी लगेगी। और सचमुच उसके अगले साल जब तुम्हारा परिवार माल असबाब के साथ उतरा तो एक नहीं तीन तीन गाड़ियां थीं और हफ्ते भर के अंदर सारे पड़ोस में हल्दी कुमकुम छिड़के निमंत्रण पत्र बांटे गए। कणिका वेट्स कुणाल, मेरे परिवार में इस निमंत्रण को लेकर आपातकालीन मीटिंग बैठी थी कि बगैर किसी औपचारिक अनौपचारिक मित्रता और संबंध की मोहर लगे इस बुलावे में शामिल हुआ जाए या नहीं। मैं आसपास मंडराता रहा था और मेरा दिल घर के लोगों का निर्णय जानने को जाने के उछला पड़ रहा था। पिताजी ने जल्दी निर्णय लिया कि एक तो लड़की की शादी है, दूसरे पुश्तैनी मकान होने पर भी उन लोगों के लिए शहर परदेश के समान है, अतः एक सच्चे पड़ोसी के कर्तव्य के नाते उनसे मिलकर सहयोग का आश्वासन देना ही चाहिए। हाँ, यदि अपने को काफ़ी बड़ा समझकर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तो बात वहीं ख़त्म। लेकिन तुम्हारे पिता अति विनयी और शिष्ट निकले, बड़े अपनत्व से सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया और एक दो दिन सचमुच ही शायद पिताजी की भावना का सम्मान करने की दृष्टि से ही कई चीज़ों पर उनसे सलाह मशवरा भी लिया। तुम्हारी शादी के दिन द्वारचा रिसेप्शन में मैं, पिताजी दोनों थे। पिताजी द्वारा लिफाफे पकड़ाए जाने पर तुम्हारे पिता आत्मीयता से उनके दोनों हाथ दबाकर बोले, आप स्वयं जाकर आशीर्वाद सहित बेटी को दीजिए ना। पिताजी ने संकुचित हो लिफाफा मुझे पकड़ाकर संकेत कर दिया था रंग बिरंगे बल्बों और फूलों से सजे मंच की ओर। शायद और कभी कहीं इस तरह अपरिचित रूप में किसी के सामने पेश होने से पहले मैं सोचता, हिचकता या सीधे ना ही कर देता, लेकिन उस वक्त पिताजी द्वारा दिए लिफाफे को मैंने चिंतामणि की तरह हाथों में समेट लिया और धड़कते हृदय को संभालते बढ़ चला था तुम्हारी ओर। तुम नमित पलकें, मणि माणकों, फलों, गजरों से सुशोभित पति कुणाल के साथ बैठी थी। कतार के कतार और झुंड में बंधे लोग आते, हंसते, हुलसते और चुहल करते तथा तुम दोनों को अपनी अपनी तरह से प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते।
तुम हर बार धीमे से पलकें उठा उनकी शुभकामनाओं के प्रति आभार प्रकट करती। आत्मविस्मृत नर्वस सा मैं कब कैसे तुम दोनों के बीच पहुंचा और विश यू हैव अ लॉन्ग हैप्पी मैरिड लाइफ कहता वापस भीड़ के रेले में जा मिला। याद नहीं, याद सिर्फ इतना है कि दुल्हन बनी तुमने क्षण भर को अचकचा कर मुझे देखने पहचानने की असफल सी कोशिश की थी, परंतु तुरंत अपने को संभाल मेरा उपहार स्वीकार कर सस्मित आभार प्रकट किया था। अक्षक्षा क्या कहा था तुमने ठीक याद नहीं, किंतु मैं तृप्त था, पूर्ण तृप्त। शायद तुम्हें दुल्हन बनी देखकर या शायद दुल्हन बनी तुमने मुझे देखा था इस एहसास मात्र से। वो भरी भरी सी सिंदूरी मांग और वेणी से गूंथे मोगरे की कलियां, माथे के बीच झिलमिलाता मांग टीका और पूरे माथे पर बंधनवार सा झूलता टायरा, और याद है तुम्हारे होंठों के स्पंदन को लक्ष्मण रेखा सी घेरती नौरतन जड़ी नथ। कणा कैसा था तुम्हारा वो दृष्ट दर्शन, कैसे कहूँ। वो क्षण मेरे लिए सोच विचार कल्पना परिकल्पना और अनुभूति एहसास से सीमातीत एक समाधि था। बस उबरने पर एक कल्पना ये अवश्य की थी कि काश इतने इतने देखते लोगों में कोई वधु बनी इस कणा का ये नख शिख लिख पाता। जानती हो सालों साल बाद जया से विवाह की तिथि निश्चित हो जाने पर जब माँ मुझे जबरदस्ती जिद करके आभूषणों की पसंदगी के लिए साथ ले गई थी, तो मैंने अनजाने सारे आभूषणों के बीच से सिर्फ एक आभूषण अपने हाथों में लेकर देखा था। वो था घुंघरों की रुंझुनी आवाज वाला झिलमिलाता मांग टीका। उसे हाथों में लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह के सूरज की एक कुनमुनाई किरण मैंने अपनी मुट्ठियों में बंद कर ली हो। हाँ कणा, मुट्ठी में बंद सूरज की ये एक किरण आजीवन मुझे रोशनी से नहलाती रहेगी। और जीवन तो कभी मरता नहीं, उसका क्रम कभी टूटता नहीं, वो कणा से किरण में संक्रमित होता चला जाता है। ये सोचकर एक अजीब सी आस्था और आश्वस्ति सी जगी है सृष्टि के नियम में और सामने देखकर मुस्कुरा उठता हूँ। 25 वर्ष पहले जैसे कणा दो रेशमी काली चोटियाँ लटकाए बालकनी पर झूलती थी, ठीक वैसे ही आज उसकी बेटी किरण। भाप उड़ाती हुई चाय का प्याला लेकर आती हुई जया मुझे देखकर शर्माई से मुस्कुरा देती है। शायद उसे मालूम है कि रात में टेढ़ा हो गया कुमकुमी टीका सुबह मुझे चाय देने की जल्दबाजी में वो ठीक से वापस संवार नहीं पाई। अल सुबह मेरे उलझे बालों में से यूं ही उंगलियां फंसाकर निकाल लेने वाली जया सिरहाने खुद चाय का प्याला रख अनसंवरी लटों के बीच बेहद खूबसूरत लग रही है। वो दोबारा उंगलियां फंसाती है और तेजी से किचन का काम निपटाने दौड़ पड़ती है। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो छवि का दूध का गिलास और ऑमलेट टेबल पर रख देती है, उसका टिफिन बॉक्स भी। वैसे ही हमेशा निर्झरणी की तरह हंसती हुई। किसी ने कभी इधर ही कहा था, जया जी आप कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, और जया वैसी खुली खुली सी हंस पड़ी थी। छवि ने टिफिन बॉक्स ठूंस भारी सा बैग माथे पर लटका लिया और अचानक याद आने पर लाड़ से मेरे पास दौड़ पड़ती है। पापा आज हमारे क्लास की स्टॉल लगेगी, पैसे लाइए। कितने? वो जल्दी से कहती है, 5 रुपए और थोड़े मेरे पास हैं। मैं बनावटी रोज से झिड़कता हूँ, 5 रुपए इतने नहीं मिलेंगे। और उसका मुंह उतरने के साथ मैं उसकी मुट्ठी में 10 का एक नोट रख उसकी मुट्ठी बंद कर देता हूँ। वो मुट्ठी खोलते ही खुशी से किलक कर उचकती है और मेरे गालों पर एक किश्ची देकर भाग जाती है। और आज हमेशा से भी ज़्यादा देर तक वो खुशी से हुलस्ती गली के छोर तक हर थोड़ी देर बाद मुड़ मुड़ कर मुझे देखती, हाथ हिलाती जाती है। टक टक जया दरवाजे पर उंगली मार कर मुझे भी इशारा कर खिलंदड़े भाव से मुस्कुरा पड़ती है कि यूनिवर्सिटी जाने का समय हो गया है। मुझे मालूम है बाथरूम में टॉवल और नहाकर लौटने पर कपड़े बेड पर रखे मिलेंगे, टेबल पर आते आते थाली भी रखी होगी, उसमें दाल सब्जी दही सब होंगे, सिर्फ फुल्का मेरे बैठने पर ही डाला जाएगा गरम गरम एक एक कर। किचन से टेबल तक आंचल कमर में मुस्तैदी से खोंसे गरम गरम फुलके लाती जया, जैसे निरंतर एक के बाद एक जीत की खुशियां समेटती जाती है। जया के लिए जीवन संघर्ष नहीं है, एक क्रीड़ा स्थली है, वो खिलाड़ियों की सी स्प्रिट लिए जीवन जीती है। फुलका आ गया, पिघला हुआ घी भी दाल में डालने के लिए, मैं उससे जिद करता हूँ साथ बैठकर खाने के लिए। जलते तवे पर अगला फुलका पड़ा है,
लेकिन वो ना नहीं करती। झट बैठकर एक दो निवाले मुंह में डाल दौड़ चलती है और आखिरी फुलका उतार साथ बैठ जाती है। और फिर से खाना समाप्त होने के जरा पहले ही उठकर जल्दी जल्दी किचन में जा पेंसिल से कागजों पर सामान की एक लिस्ट, स्वयं एक हाथ में थैला और लिस्ट तथा दूसरे में सौंफ गरी की बुकनी लिए शांति की स्रोतस्विनी सी जया बाहर आ जाती है। मैं उसकी हथेलियां ही होठों के पास ला सौंफ फांक लेता हूँ। स्कूटर स्टार्ट करने पर वो हाथ हिलाती रहती है हंसती हुई। जया एक वलय की तरह मेरे चारों ओर व्यवस्थित है और मैं उस वलय के बीचों बीच पूर्ण सुरक्षित निश्चिंत महसूस करता हूँ। अचानक गली के नुक्कड़ पर मुड़ते हुए दृष्टि उठ जाती है। हवेली के सामने वाले बरामदे में संभवतः तुम ही खड़ी अपनी बेटी की चोटी पूरी कर उसमें आखिरी गांठ लगा रही हो। बेटी छोटी नहीं कि अपनी चोटी खुद ना कर सके, लेकिन उसके बाल जो बेहद लंबे हैं और उस क्षणांश में ही वापस मुड़ती हुई तुम्हारी लंबी सी चोटी भी दिख जाती है, चंद सफेद रेशों के साथ, लंबी उतनी ही पर पहले से पतली। तुम बरामदे से कमरे की ओर वापस ओझल हो गई। स्कूटर वैसा ही भर्राता चौड़ी होती यूनिवर्सिटी रोड की ओर दौड़ चला। तब याद आया, आज एक अद्भुत स्वप्न देखा था कणा। देखा कि रात की गहरी निस्तब्धता में मैं एकाकी रास्ता भूला सा भटकता जा रहा हूँ। स्वप्न में भी मुझे इतना याद है कि वे ही रास्ते हैं जिन पर मैं पहले भी ऐसे भूल भटक चुका हूँ, और यह भी कि इन्हीं रास्तों में किसी एक में है, किसी एक में वो पहचानी जगह जिसकी मुझे तलाश है, पर वो ठीक ठीक क्या है मैं समझ नहीं रहा। अचानक पाता हूँ रास्ता एक पतली गली में तब्दील हो गया है और गली चौड़ी होते होते एक उफनती बहती नदी के चौड़े पाट पर। एक तरफ चिकनी संगमरमरी शिलाओं पर एक छोटा मंदिर है और मंदिर की सीढ़ी पर तुम हो, मंदिर के कलश पर लगी रंग बिरंगी ध्वजाएं देखती हुई। मैं सम्मोहन में बंधा किनारा पाया सा तुम्हारे एकदम पार्श्व में बैठ जाता हूँ, जैसे हम जाने कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं और जैसे ये मिलन सुनिश्चित था, जैसे मेरी तलाश यही थी। मंदिर में टुन टुन घंटियाँ बजती रहती हैं, एक के बाद एक भक्ति संगीत जय जय घोष जैसी स्वर लहरी गूंजती रहती हैं। हम स्वप्निल तल्लीन से जाने कहाँ कहाँ की बातें करते रहते हैं, जैसे ये हमारा नित्य का नियम हो। बजती घंटियों के बीच तुम कहती हो, किशु मेरा बेटा कब लौट रहा है? मैं बताता हूँ, 2 वर्ष बाद। तुम्हें बहुत सूना लगता होगा ना उसके बिना? मैं कहता हूँ, हाँ, जया तो अकेले में खूब रोती है। इतनी सी उम्र में क्यों भेजा? मैं बताता हूँ, वो बेहद ब्रिलियंट है और मेरे एक प्रोफेसर मित्र ने हॉस्टल से लिखा भेज देने के लिए। तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है ना? मैं कहता हूँ, हाँ, जया को पढ़ी है। कुछ रुक कर मैं फिर कहता हूँ, ये मंदिर, ये जगह भी कितनी खूबसूरत है। हाँ, इस पर इंद्रधनुष का अक्ष पड़ता है, तब देखो। मैं आंखें उठाकर चारों ओर देखता हूँ और अभिभूत सा देखता रह जाता हूँ। पूरा का पूरा धवल शुभ्र मंदिर इंद्रधनुषी अक्षों में नहाया हुआ है, तुम कहती हो, और उसका अक्ष रेती पर भी तो देखो। मैं देखता हूँ, नदी का चौड़ा रेतीला पाट इंद्रधनुषी रंगों में डूबा है, एक एक इंद्रधनुष हजार हजार प्रकाश बिंब बिछाता हुआ। अचानक नदी के छोर से एक नाव आती दिखाई देती है, उसमें जया, किशु और छवि हैं। तुम कहती हो, लो तुम्हारी नाव भी आ गई, तुम प्रतीक्षा कर रहे थे ना? मुझे लगता है कि हाँ, मैं सचमुच प्रतीक्षा कर रहा था और अंदर एक हल्कापन सुगबुगा उठता है। लेकिन जाऊँ कैसे, ये मैं कहता नहीं, मन ही मन सोचता हूँ, क्योंकि चारों तरफ इंद्रधनुष बिछे हुए हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मानो तुमने सुन लिया। तुम खिलखिलाती हो, चलो ठीक, मैं देखती हूँ तुम कैसे इंद्रधनुषों को बचाते हुए अपनी खाली नाव में बैठ जाते हो। मैं हंस देता हूँ और उमंग में चल पड़ने को होता हूँ। तभी मुझे याद आता है कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ और मन में सोचता हूँ, कहीं कोई इंद्रधनुष कुचल न जाए। तुम जैसे फिर सुन लेती हो और कहती हो, हाँ, मैं भी नहीं कुचल सकती इंद्रधनुष को इस तरह, लेकिन मेरी बेटी ने नृत्य सीखा है ना, तो कितने इंद्रधनुषों के बीच भी उन्हें बचा बचा कर नृत्य करती चली जाती है। और अचानक मैं देखता हूँ कणा कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों एक रूप हो गई हो, और तुम या पता नहीं तुम्हारी बेटी नृत्य की एक सम्मोहक वायवी लास्य के साथ हवाओं से तिरछी चमकती रेती पर बिछे इंद्रधनुष के बीच संभाल संभाल कर
नृत्य भंगिमा में पैर रखती नदी के पाट तक चली जाती हो। दोनों एक रूप भी हो, अलग अलग भी, क्षण में एकाकार, क्षण में पृथक। नदी के दूसरे छोर से जया, किशु और छवि वाली नाव एकदम पास आती है। वे सब खूब खुश खुश हाथ हिला हिला कर मुझे बुला रहे हैं। बगल में देखता हूँ, तुम नाव में भी, पार्श्व में भी, और एक मनमोहक स्मृति के साथ अपना हाथ बढ़ा देती हो, सहारा देती सी मुझे नाव में बैठ जाने के लिए। अचानक दृष्टि जाती है तो देखता हूँ चारों तरफ बिछा नदी का चौड़ा रेतीला पाट नहीं, इंद्रधनुषी लहरों में चमचमाता महासागर है, और उसमें जाने कितनी नावों में हम, तुम, जया सब तैरते चले आ रहे हैं। नींद खुल गई थी। ये सपना देखकर उठा तो जैसे शरीर के पोर पोर में एक सुगंध रची बसी थी। मीठे सपने की मादकता इसी तरह विभोर करती है क्या? जैसे सपना नहीं एक फूल हो जिसकी गंध हर कहीं हवा में तैर रही हो। ठीक सामने फिरोजी साड़ी का पल्लू कमर में खोसे, गीले निचुड़े बालों में तरोताज़ा हो कुछ गुनगुनाती सी जया मेरी ओर पीठ किए खिड़की के पर्दे खींच कर खोल रही है, और अब मेरी ओर पलट कर मुस्कुरा पड़ी है। हास और उल्लास का एक स्रोत सा फूट पड़ा हो जैसे। सद स्नाता जया की मुक्त हंसी और भीनी भीनी गंध के साथ, माथे की लाल बिंदी और लहराए बालों के बीच सिंदूरी मांग के साथ, मैंने जया को भर बाहों में समेट कर प्यार करते हुए बड़ी शक्ति, उल्लास तथा संवेदना अपने अंदर संवेष्ठित होते हुए महसूस की है। जगमगाती हुई किरणों की मंजूषा सी जया हंसती हुई पूछती है, क्या है? एक बहुत सुंदर सपना, फिर जाने कैसे रोकते न रोकते पूछ बैठता हूँ, सुनोगी? नहीं, मुझे लगता है सपनों को सुनाना उन पर अन्याय करना है। उनकी अनुभूति में जो सुख है वो सुनाने में कहाँ। सपने इतने सूक्ष्म, इतने अद्भुत होते हैं कि उन्हें जैसे का तैसा कोई सुना ही नहीं सकता, और जबरदस्ती शब्दों में बांधने से वे जैसे कुछ अलग ही स्थूल बेडौल सा आकार धारण कर लेते हैं। तब एक अजीब छटपटाहट होती है, जैसे एक किसी बेहद मधुर कोमल चीज को रौंद देने के बाद। फिर जैसे अपने ही स्वकथन से चौंकी हुई जया कहती है, और फिर हम सपने सुनते सुनाते रहेंगे तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या होगा हैं? और मेरे बालों को उंगलियों से बेतरतीब करती खिलखिलाती हुई चली जाती है। सर, सीनियर कॉलेज की ओर बढ़ते कदम अचानक पीछे भागती सी आती पदचापों पर ठहर जाते हैं। हाफती सी किरण पास आकर पहले ठहर कर सांस लेती है, फिर जल्दी जल्दी कहती चली जाती है, मुझसे नहीं हो पा रहा सर, लगता है लगातार पिछड़ती चली जा रही हूँ। तुम आए भी तो नहीं नियमित? मैं बलात् शब्दों का संयम बरतता हूँ। कॉलेज में बिल्कुल समय नहीं मिल पाता सर, सबके एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, सिर्फ रिसेस के बाद का टाइम मिलता है, उसमें आप बिजी रहते हैं, क्या करूं? और आंखों के कोरों पर जैसे एकदम गीलापन छलक आया। तो मैं सोचता हूँ कि क्या किया जा सकता है, और अचानक रोकते न रोकते कह पड़ता हूँ, घर आ जाया करो। घर? वो अनिश्चय आशंका अवस्था में डूबी अचकचाती है। तब मुझे एकदम याद आता है कि उसे तो संभवतः मालूम ही नहीं कि मैं कहाँ, किस तरफ, कितनी दूर रहता हूँ। किरण सचमुच उदास हो जाती है। घर आपके? कह नहीं सकती, आने को मिलेगा क्या? नहीं सर। किधर रहते हैं आप? तुम्हारे घर के बिल्कुल पास। क्या? उल्लास के अतिरेक से उछलती सांसें वो किसी तरह समेट पाती है। तो शायद वो कहना चाहती है, आप बड़े खराब हैं, पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मेरी तरह ही शब्दों का संयम बरत जाती है। अच्छा, किरण क्या सोचती होगी? शायद ये कि सर को कैसे मालूम हुआ कि मैं उनके घर के पास रहती हूँ? कब देखा, कैसे देखा, कैसे जाना, कब से जानते हैं वे इस बात को? और जानते थे तो बताया क्यों नहीं पहले? मैं भी कैसा पागल हूँ, क्षण भर को भूल ही गया था कि यह सारी कहानी तो खुद मेरी ही बनाई हुई है, तुम दोनों के अनजाने। फिर अचानक कैसे भूल से उनके संबंध में अपनी जानकारी उजागर कर गया, और फिर किसी सर के लिए शिष्या का घर पहले से जानना या खुद ही शिष्या को अपने घर आने का निमंत्रण दे डालना यह भी जतला देता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे घर के बिल्कुल पास रहती हो। सुनने में उतना कुछ शोभनीय लगता है क्या? मैं अपने आप में यही सब सोच सोच कर असंयत होता था, लेकिन वो किरण तो जैसे बादलों में उड़ रही थी। क्या सच सर? ओ, अब मैं जरूर पिछला पोर्शन पूरा कर सकूंगी, जी जान से दिन रात एक कर पढ़ूंगी। नहीं तो जानते हैं, आज इतना रोने रोने सा मन हुआ था कि पूरी तरह निश्चय कर लिया था सब्जेक्ट चेंज कर लूंगी,
सिर्फ अपना फर्ज बनता है कि आपका विषय छोड़ने से पहले आपको बता दूं, बस यही सोच कर आई थी। लेकिन वो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी सर, जानती हूँ आप कितने बिजी रहते होंगे, आप बता दीजिए किस वक्त कब, सिर्फ आधा एक घंटे ही गाइड कर देंगे तो कर लूँगी। अरे पता तो पूछा ही नहीं आपका। हाँ, मेरे घर से किधर? मैंने शांत भाव से उसे बता दिया। वो खुश खुश लौटने ही लगी कि अचानक पलटी, लेकिन एक बात पूछूं सर, आपने पहले क्यों नहीं कहा मुझसे? लेकिन मेरी संयत मुख मुद्रा देखते ही सहम कर लौट चली। अगले दिन ही नियत समय पर किरण आबिराजी, ठीक घड़ी की नोक पर बैल बजी, खुश खुश उत्साह से छलकती हुई, चारों ओर जैसे गुलमोहर के गुच्छे बिखेरती हुई, अपने स्वभाव और चपलताओं की वजह से कड़ा की अपेक्षा वो जया की बेटी ज्यादा लगी, शायद इसलिए जया को भाभी गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो जल्दी जल्दी कलाई पर बंधी हुई घड़ी का कांटा देख जाने को अकुलाई तो जया ने रोका, ठहरो मेरे साथ चाय पीकर जाना। किरण और खुश हो गई, इतनी कि किचन में जल्दी जल्दी प्याले तश्तरियाँ पोछने लगी, डिब्बे खोलकर मछलियाँ निकालने लगी। जया पूरे उत्साह से चाय के लिए अदरक उतरने लगी, गरम गरम अदरक डली भाप उड़ाती चाय और कुरकुरी मछलियाँ और लगातार चुहल भरी आवाजें, वह का सारा अंतर भूलकर जैसे बचपन की पिछड़ी अंतरंग सहेलियाँ आज उठी हूँ। मज़ा आया ना, अब कब आओगी? ओ ये तो सर से पूछा ही नहीं, किरण खिलखिलाई। आना और चाय पीकर मत आना, यहीं साथ साथ पियेंगे। जरूर, किरण हंसी, लेकिन तभी जैसे याद आया, लेकिन घर पर मम्मी अकेली पड़ जाएंगी। अरे हाँ, लेकिन वो तो जब पापा नहीं रहते होंगे तब ना। जया वैसी ही फटाफट तस्तरियाँ हटाती हटाती अपनी रौ में पूछती जाती है, क्या तुम्हारे पापा को बहुत टूट लगाने पड़ते हैं? गुलमोहर अचानक भक से स्याह हो जाते हैं। पापा नहीं हैं। ओह सॉरी, तभी तो हम यहाँ वापस रहने के लिए आ गए। वेरी सॉरी। जया उसे जीने तक छोड़ने के लिए जाती है तो उसके कंधे थपथपा कर कहती है, मम्मी को भी लेकर आना कभी। हाँ लाऊंगी। किरण की आंखों में अपार प्यार छलका है जया के लिए। जया है ही ऐसी, समर क्षेत्र को क्रीड़ा स्थली में बदल देने वाली। कितना छोटा पड़ जाता हूँ मैं उस क्रीड़ा कौतुकमयी के सामने। बाप रे कणा, तुम्हारी ये बेटी एकदम चकर घिन्नी है, चकर घिन्नी। एक मिनट के लिए भी स्थिर नहीं बैठती। कुल गिने चुने हफ्तों महीनों में कितनी कितनी शोक और हाजिर जवाब हो गई है। ये सब जया की वजह से, उसी ने उसे सिर चढ़ा रखा है। अभी छवि के साथ पिलो फाइट चल रही है, अभी जया के साथ दोनों हाथ पकड़कर बरामदे के बीचों बीच तेज तेज चक्री घूमी जा रही है। जिस तरह जया ने पल्लू कसकर बांधा है कमर से, उसी तरह उसने चुन्नी। छवि खिलखिलाने के साथ ही उत्तेजित हो, अब मेरे साथ, अब मेरे साथ की रट में चीखे जा रही है। आज पोहे मटर बनेंगे, आज फलूदा ट्राई किया जाएगा, आज रम्मी जमेगी, सुनिए आज पिक्चर चलेंगे। नहीं, आज शायद मम्मी आए, किरण ने कहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन कैसे? यूं ही, पहले भी एक दो बार आने वाली थी पर कुछ ना कुछ आ पड़ा। आज कहा है चाहे जैसे हो जरूर आऊँगी तुम्हारी आंटी और सर से मिलने। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मुझे कैसा लगा होगा तुम्हारे आने की बात सुनकर? सोच सको तो सोचो कणा। फिर वही मूर्ता, तुम्हें कुछ मालूम हो तब तो सोचोगी कि ऐसे ही। किरण को पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग गया कि तुम आ गई हो और जया के पास दूसरे कमरे में बैठी हो। तुम्हारी और जया की अस्पष्ट आवाजें उभरती डूबती रहीं। मैं किरण को ये अद्भुत तथ्य समझाता रहा कि कैसे कुछ प्रकाश पुंज नक्षत्र हजारों साल पहले समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रकाश अभी तक शेष है क्योंकि उन नक्षत्रों की गति प्रकाश की गति से भी तेज है। किरण हकबकी सी मेरे चेहरे की ओर देखती इस अद्भुत रहस्य को समझने में गूंज रही है। हजारों साल पहले सौरमंडल में समाप्त हो गए नक्षत्रों का प्रकाश अभी शेष है? अभी शेष है, आजीवन शेष रहेगा? जया ने परिचय करवाया है, ये मिसेस कौशिक, आप मेरे हस्बैंड, मेरा पर्व क्षण। तुमने मृदु सौम्यता से हल्के से मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए हैं। आप लोग सोचते होंगे कि कृतज्ञता की चरम सीमा है ना, कि आप तो इतने दिनों से मेरी बेटी किरण पर अपना इतना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं और मेरी तरफ से आभार का एक शब्द भी नहीं। बिल्कुल, जया हंसती है, बताइए अब आप कब आ रही हैं उस महत्वपूर्ण काम के लिए? जया और तुम दोनों संग संग हंस पड़ी थी।
लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मैं तुम्हें देखते हुए भी तुमसे बहुत दूर देख रहा हूँ। मेरे देखते देखते तुम्हारी सफ़ेद दूधिया साड़ी हल्के हल्के इंगुरी रंग में रंगती चली जा रही है। दो पतली सोने की चूड़ियाँ और पतला काले स्ट्रफ वाली घड़ी बंधी सूनी सी कलाइयाँ लाल कामदानी चूड़ियों कंकड़ों से खनखना उठी हैं। और तुम्हारे हल्की हल्की सी सफ़ेदी छानते बालों और सपाट सूने माथे के बीचों बीच नन्हे घुंघरों वाला मांग टीका और मोगरे की लड़ियाँ झूल उठी हैं। अब मैंने तुम्हें जल्दी से लॉन्ग हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विश किया और तुमने अपनी बेहद सरल सी आंखें उठाकर आभार व्यक्त किया है। तुम कह रही हो, असल में हम लोग बचपन से सिर्फ छुट्टियों छुट्टियों में थोड़े दिन के लिए आकर चले जाते थे, इसलिए आप सभी लोगों से मिलने जानने का कभी मौका ही नहीं लग पाया। अच्छा हुआ ना, तब मिलती तो मैं जो नहीं होती। तुम दोनों फिर खुनखुना कर हंसी हो। मैंने कहना चाहा है, क्या कहती हो कणा, मिलना नहीं हो पाया? यहाँ एक पूरा का पूरा संसार रच बस गया है तुम्हें लेकर, और तुम कहती हो कभी मिलना नहीं हो पाया। होता है ऐसा कभी कभी, मैं कहता हूँ और कोई सपना सा देख जैसे हल्के से मुस्कुरा देता हूँ। जया ने कॉफ़ी के मग और तले नमक पारे लाकर रखे हैं। किरण और छवि अपने अपने मगों के साथ किचन में खटपट कर रही हैं। जैसे जया और किरण के बीच आयु का अंतर कोई बाधा नहीं बनता, वैसे ही किरण और छवि के बीच भी। दोनों मिलजुल कर खुराफातों में जुट जाती हैं। तुमने किरण के बारे में पूछा है, निकल तो जाएगी ना, साल तो खराब नहीं होगा, मैंने तुम्हें आश्वस्त किया है। जया चुस्त चुस्त फुर्तीली सी होती है और मटर चूड़े की 3 प्लेटें टेबल पर रखते हुए हंसती है। किरण और छवि ने मिलकर बनाया है, आप दोनों ने सचमुच उसका मन ठहरा दिया यहाँ, वरना शुरू शुरू में बड़ी उदास थी। तुम्हारी आवाज़ में कृतज्ञता थी, और अब तो यहीं रहना है, तुम्हारे मुँह से आवाज़ नहीं जैसे एक निश्वास सी निकली है। मैंने एक स्थिर दृष्टि टिकाई है, शायद पहली बार देखा है उदासी के एक पारदर्शी आवरण में लिपटी तुम्हारी स्थिर सी झुकी पलकें। स्मृतियों की नक्काशीदार डिब्बी रंग बिरंगी रंगोली छिटकाते हुए बिखेरने लगती है। नमित पलकें, कड़का वैट्स कुणाल, झिल मिल जरी गोटे की चुंडी संभालती, जगर मगर करती हवेली से विदा होती तुम। सफ़ेद साड़ी, बालों में कौस करेशे सहेजे, सूने माते हवेली की ओर लौटती तुम। समय कितना इंद्रजाली है कणा, बेल बजती है, तुम्हारा चौकीदार है कि मकान टैक्स वाला इंस्पेक्टर आया है। तुम उठते हुए कहती हो, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है ना, इसलिए अभी हर दिन एक ना एक इस तरह की व्यस्तता लगी ही रहती है। अच्छा चलती हूँ। जया तुम्हारे साथ साथ दरवाजे तक छोड़ने गई है। सोचो तो कितना विलक्षण लगता है ये सब कणा। जया बाकायदे गई और दरवाजे तक तुम्हें छोड़कर फिर आने को कहकर वापस भी आ गई, लेकिन मैं यहीं का यहीं खड़ा तुम्हारे साथ साथ चलता चला जा रहा हूँ, अनवरत लगातार। और ये यात्रा आज नहीं, वर्षों पहले की शुरू की हुई है, एक स्वप्नजीवी किशोर की यात्रा। लेकिन मैं कहीं से अधूरा, अशांत या अतृप्त नहीं हूँ कणा, मैं भरा पूरा परितृप्त हूँ तुम्हें हर घड़ी अपने आसपास महसूस करता हुआ, तुम्हारी खुशबू से सराबोर। खुशबू को कोई छूना चाहता भी नहीं, खुशबू को न छू पाना किसी अधूरी लालसा का प्रतीक नहीं। मैं जया और बच्चों के हास उल्लास क्रीड़ा कौतुक में डूबा सुखी समृद्ध गृहस्थ सोचता सिर्फ ये हूँ कि कैसा चमत्कार है, इतना बड़ा ये संसार, असीम विश्वलोक, इतने रहस्य रोमांच। लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्तृत और अद्भुत है इसी के समानांतर चलता एक मनस्लोक, जहाँ इससे भी ज़्यादा विस्तार है, विलक्षणता है, गहराई है। तो इस विश्वलोक के सारे कार्यकलापों के समानांतर अनंत असंख्य मनस्लोकों के व्यापार चल रहे हैं। हर मनस्लोक की एक एक कणा होगी, एक एक भुवन, और हर कणा या भुवन के साथ कितने कितने विलक्षण मनस्लोक। शरीर थकता पूरता जाता है, आंखों की धुंध गहराती जाती है, इस लोक के स्थूल कार्य व्यापार छीजने लगते हैं, लेकिन मनस्लोक के सूक्ष्म व्यापार वैसे धुंध के बीच जलती लौ से जगमगाते रहते हैं। जैसे इस समय धुंध के बीच से हंस रही हो तुम, यानी दो रिबन बंधी चोटियों के बीच खिलखिलाती बालिका। तुम सलीकेदार उड़ने से अपनी वह संधि की तरंगे संयमित करती किशोरी। तुम किसी सुदक्ष सुदर्शन पुरुष को अपनी मेहंदी रची हथेली सौंपती, धूप सी सिहरती युवती। देख रहा हूँ तुम
तुम्हें विश्वास और आस्था की अपार गरिमा समेटे बिच्छुओं किंकिणी के वलय से आवेष्टित नूपुर में लहकती अपने पति पुरुष को समर्पित होते, और अब तुम मातृत्व का उदार वात्सल्य समेटे ऊंच मूंच होती अपने शिशु कन्या को दूध पिला रही हो, झरोखे से छनती चांदनी में लोरी सुना पालने में लिटा रही हो, पति का खाना गर्म कर रही हो, उसके कपड़े सहेज तहा रही हो, बच्चे को अपनी गोद में झुलाती मुस्कुरा रही हो, फिर नन्हे स्थूल बैग टिफिन प्लास्टिक की पानी की लाल हरी बोतलें, नई नई फसलों से लहराती झूमती ढेर सारी व्यस्तताएं, एक के ऊपर एक लदते फंदते गुजरते दिन, सूरजमुखी सुबहें और मोर पंखी शाम और पंख पंख उड़ता समय, और फिर अचानक सब कुछ समेट कर समाप्त कर देने वाला एक मूक हाहाकार, पाले से मारी खड़ी की खड़ी लेट गई फसलें, बर्फ की कच्ची सिल्ली सी जमी स्थिर सफ़ेद साड़ी में लिपटी थमी थमी सी तुम, ये सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। हर क्षण के हजार हजार चित्र और प्रतिकृतियाँ मेरे पास हैं, उतने चित्र खुद तुम्हारे पास कहाँ होंगे। सचमुच कणा, तुम्हारे जीवन में घटती हर घटना मेरे अंदर भी उसी तरह घटती रही है, सारे हास विलास उमंगे और उल्लास तथा मौन हाहाकार तक, सब कुछ एक साथ जैसे दो दो जगहों पर घटता रहा हो, बगैर किसी कोशिश के, बगैर तुम्हारी जानकारी के। सच ही कह रहा हूँ, हम सबके अंदर ऐसा बहुत कुछ घटित होता रहता है जिसकी अक्सर खुद हमें ही जानकारी नहीं होती। कभी थोड़ा बहुत इन सब की झलक मिलने पर हम खुद हैरान अबूझ से देखते रह जाते हैं। अपने अंदर की बेहद मोहक लेकिन रहस्यमय प्रकोष्ठों में जाने की इजाज़त खुद हमें भी तो नहीं होती। इन मनाश्लोकों में ऐसे कोई बिरले पर क्षण ले जा पाते हैं हमें कभी कभार। इम्तिहानों के दिन आ गए हैं, जया उद्विग्न है तुम्हारी बेटी किरण को लेकर। कणा, इधर ज़्यादा ही मेहनत करने लगी है, सारी चपलता सारी खुराफातें भूल, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, दिन रात लैंप जलाए मेज पर जुटे रहना, अब ना मटर चूड़े की जिद, ना जया के साथ सहेलियों में हथेलियाँ खींचे बरामदे में चक्करघिन्नी की हिलोरें लेती चीखें, ना रसोई की दूसरी उठा पटकें। जया चिंतित है, शायद छवि हॉस्टल में रहने चली गई, इससे अब पिलो फाइट किससे करेगी, लेकिन जया के साथ चक्करघिन्नी तो घूम ही सकती है। नहीं, मैं समझता हूँ पिछले वर्ष बढ़िया नंबर आ गए ना, इससे जी जान से टॉप करने पर तुली है, कर ले जाएगी, करने दो, उसे छेड़ो मत, इस उम्र में ऐसी रॉ कभी कभी अच्छी होती है। पर जया की शोध किरण को लेकर चलती रहती है। कड़ा कह रही थी एक दो काफ़ी खानदानी घरानों से ऑफर आए हैं, वे एग्ज़ाम्स के बाद शादी कर देने की सोच रही हैं, कहीं इस सबकी भनक से तो नहीं। पागल हो तुम, मैं प्यार से जया को आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसी कोई बात हुई तो वो अपनी माँ से, तुमसे, किसी से भी कह सकती है, तुम तो बिल्कुल ही उसकी अंतरंग सखी सी हो। जया थोड़ी आश्वस्त होती लेकिन उधेड़बुन टूटती नहीं, और मैं सोचता हूँ अच्छा है इतनी लगन से पढ़ रही है, टॉप कर जाएगी तो मुझे सचमुच कितनी खुशी होगी, कितना गर्व होगा, मैं इसी कल्पना में मगन हूँ। क्या कॉलेज में भी ऐसे ही रहती है? जया की जोर तोड़ चलती रहती है। मैंने फिर समझाया, कॉलेज में तो हमेशा ही ऐसी चुप सी थी, उछल कूद तो सिर्फ हमारे घर में ही मचाती रहती थी, शायद एकदम उदास बोझिल वातावरण से निकली थी इसलिए, ऊपर से उसे तुम मिल गई, वरना अपने घर और कॉलेज में तो ज़्यादातर शांति ही रहती है, पढ़ाई की वजह से ही थोड़ी और सीरियस ज़रूर लगती है। जया फिर भी सोचती रही, मैं नहीं। लेकिन एक दिन आधे लेक्चर के बीच लगा जैसे हठात कुछ अप्रत्याशित सा घटित हो रहा है, दृष्ट निक्षेपों से रहस्य भरे संकेत, अजीब सी मुस्कुराहटें, हाँ वही बेंच किरण वाली, हाँ वही लड़कियाँ किरण के अगल बगल वाली, ऊपर से सब कुछ व्यवस्थित संयमित सपाट और ठीक ठाक, लेकिन ललछुए कान और पसीने पसीने होते माथे के बीच पसीजती रोली, अगल बगल बैठी लड़कियों के होठों के कोनों को सहज कर दबाई स्मित। थोड़ी देर को मैं स्वयं असंयत अस्थिर उठा, लेकिन कुछ पूछने कहने के निर्णय अनिर्णय के बीच ही लौट आया, बात वहीं खत्म हो गई। दिन बीतते रहे, परीक्षाएं निकट आ गईं, लापरवाह छात्र छात्राएं भी सुस्ती झाड़ नोट्स के लिए भागदौड़ करने लगे, फिर प्रतिस्पर्धियों की तो बात ही क्या, लाइब्रेरी हॉल खचाखच भरा रहने लगा, हर तरफ सरगर्मी, ठट की ठट किताबें लादे काउंटर से अपने डेस्कों की तरफ जाते आते छात्र छात्राएं, सुबह से शाम तक किताबों में सिर गाड़े, पसीजती हथेलियों से पेन थामे अनवरत बनते नोट्स। तभी एक दिन किरण मिली लाइब्रेरी से लौटती हुई। क्या हुआ, कैसा चल रहा है,
मैंने प्यार से पूछा और मुस्कुरा कर जोड़ा, देख रहा हूँ तैयारी जबरदस्त है मुकाबले की। वो थोड़ी शर्माई, ऐसा कुछ नहीं सर, पर जितनी हो सके कोशिश तो करनी चाहिए, यही सोचती हूँ। शाबाश, आज क्या किया? वो आपने थर्ड पेपर्स के जो रेफरेंसेस दिए थे उन्हें तलाशती रही, मिले? हाँ काफ़ी कुछ, लाओ जरा देखें। मैंने उसकी फाइल के लिए हाथ बढ़ाया, वो हटा थिचकी, फिर जल्दी जल्दी फाइल के बीच से कुछ कागज़ तलाशने लगी कि एक कागज फिसल कर दूर जा गिरा। वो उसे उठाने नहीं जैसे तेजी से पकड़ने लगी, लेकिन लम्हे भर की चकाचौंध में ही मैं स्तंभित रह गया। लाना जरा, उसने फाइल बढ़ाई। नहीं, वो कागज। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और तीन चार और कागज फिसल पड़े, जिन्हें मैंने चुनकर समेट कर उठा लिया। उसका सिर झुका था और मेरे हाथ कंपित, वे मेरे ही चेहरे के विभिन्न भाव मुद्राओं में ड्रॉ किए गए पेंसिल स्केच थे। वो एक नहीं, फाइल के अंदर कितने ही और। स्तंभित जड़ था मैं। क्या था ये सब? बोलना चाहा, लेकिन आवाज़ जैसे गले में घुटकर रह गई। किरण, मैं किसी तरह बोल पाया। उसकी तरफ से मौन रहा। ये क्या पागलपन है? आवाज़ थरथराई थी मेरी। वो फिर भी मौन रही। किरण, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। लेकिन मौन पसरा रहा। उसकी खामोशी की घाटी में मेरी आवाज़ जैसे जाने कितनी प्रतिध्वनियों में टकरा कर वापस लौटने लगी। मैंने अपनी आवाज़ की थरथराहट को भरपूर समेटा और सख्त दुनियादार स्वर में बोला, तुमसे ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी। ओह तुम, ये सब क्या पागलपन है? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं हर एक दो शब्दों के बाद खुद बुरी तरह अटक सा जा रहा था। किसी तरह संयत करता, संभालता अपने आप को और तब ठोंक पीट कर कुछ बोल पाता। मौके पर सारे शब्द जैसे सन्नाटा खींच गए थे। एकाएक सूझा, अच्छा सुनो, लाओ फाड़ कर फेंक दें। कहने के साथ ही मैंने हाथों में थमे तीनों चारों स्केच फाड़ने के लिए हाथ साधा ही कि वो जैसे डंक लगी सी चीख कर रो पड़ी। नहीं, और बिजली किसी फुर्ती से मेरे हाथों से कागज खींच एक ओर चल दी। उस क्षण सबसे पहले मैंने अचकचा कर अपने चारों तरफ देखा कि लाइब्रेरी के मैदान में अनजाने घट गया ये सब किसी ने देखा तो नहीं। फिर एक तरफ कदम बढ़ाती सी किरण को सामान्य सधी आवाज में बुलाया, किरण सुनो जरा, एक जरूरी काम है। जी। चलो घर, चलती हो क्या? मैं भी चल रहा हूँ। जी। नहीं रुको, अच्छा चलो, अपने केबिन से मुझे कुछ किताबें भी लेनी हैं। यह निश्चय तुरंत एकाएक किया था। केबिन में वो चुपचाप बैठ गई, सिर वैसा ही झुका। अब बताओ किरण, पूछिए। अरे ये तो एकदम सामान्य सी हो गई, ये सब क्या है? जो कुछ था आपने देख लिया? मैंने चौंक कर दृष्टि उठाई और उसकी आंखों में झांका। आंखें जल और छलक एक साथ रही थीं, लेकिन जलते और छलकते हुए वो अपमानित सी मेरी आंखों में सीधी देख रही थी। मैं स्तब्ध, परेशान सा, दयनीय सा, टुकड़े टुकड़े शब्द की भीख मांग रहा था अपने आप से। देखो तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही कि मुझे अपने केबिन में लाकर भरा बुरा समझाया जाए। मेरे हकलाते शब्द उसकी आवाज़ की पैनी धार काट गई, लेकिन अब मैं भी अपनी रही सही शक्ति समेट कर जुट गया। तो फिर समझती क्यों नहीं कि ये सब जानकर कणा तुम्हारी मम्मी को और मुझे ही जरा अब क्या बताऊं, ठीक थोड़ी लगेगा, एक तरह से अशोभनीय। मैंने कुछ अशोभनीय नहीं किया। जैसे वो दर्द से तड़प सी उठी। अब मैं सीधे सीधे खोल से बाहर आया। तुम्हें मालूम है कणा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हैं। तो उसने पूरा का पूरा प्रश्न एक वजनी गेंद की तरह उठाकर मेरी ओर वापस उछाल दिया और मुझे लगा था जैसे मुंह के बल ठोकर खाकर गिर पड़ा हूँ। मैंने शादी से कब मना किया है? उसने अचानक सिहरती विफरती सी आवाज़ में कहा। ओह, कितनी सतही छिछली बात निकल गई मुँह से। लगने लगा जैसे गिरने के साथ कीचड़ से लथपथा गया हूँ और वही लज्जा वही दैन्य लिए भरी मजलिस में खड़ा हूँ। उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था, जलती लौ जैसे मध्यम और तेल में डूबती जा रही हो। सर, यही स्केच अगर किसी लड़के ने बनाए होते तो? अचानक वो पूछ बैठी। मैं अचकचाया, लड़का बनाता तो आप उसे फाड़कर इसी तरह फेंक देते? उसने फिर से मेरा जवाब अपने प्रश्न के साथ दोहरा दिया। मैं विमूढ़ हुआ ही था कि एकाएक जवाब सूझ गया। लड़का बनाता तो वो शायद छुपाता नहीं। उसकी आंखों के मध्यम लौ एकाएक फिर भभक उठी। तो आप सोचते हैं मैं इसलिए छुपाती फिर रही थी क्योंकि मैं लड़की थी? ये क्या हो गया इस लड़की को?
ये क्या वही किरण है जो जया के साथ चक्करघिन्नी घूमती है और छवि के साथ पिलो फाइट करती है? दिन के दिन टेबल पर सिर गाड़े पढ़ते रहना और दो बेपरवाह चोटियां लटकाए निष्प्रह घूमते रहना, वही सौ में खिलवाड़ी सी लड़की इस समय आहत प्रतिशोधिनी सी वार पर वार किए जा रही है। सिर्फ प्रतिशोधिनी भी कहाँ, मान अभिमान राग विराग और इंद्रजाल के सम्मोहन से भरी भोली भाली कौतुक मई सी किशोरी। अचानक वो पूछ बैठी, अच्छा सर, अगर आप ये सब कुछ न देख पाते न जान पाते तो सब कुछ वैसा ही रहता ना? कहने के साथ ही उसने बैठे ही बैठे दृष्टि हल्के से ऊपर उठाई और जैसे एक भव्य मनमोहक और बेहद मधुर सा सपना देखती रही और फिर अचानक हिलक हिलक कर टेबल पर सिर औंधाए रो पड़ी। सिर्फ हिलती हुई उसकी पीठ, पतली सी गर्दन, चोटियां और तेज तेज हिचकोले खाती पीठ। मैं उसकी सिसकियों में हिचकोले खाती पीठ को प्यार से थपथपा तक न पाया, वैसा ही सुन्न देखता रहा। काफी देर वो वैसी ही चकती रही, फिर एकदम सिर झुकाए झुकाए ही चुन्नी से आंखें चेहरा पोंछ उठ खड़ी हुई, मुस्कुराई एक उदास अवसाद भरी मुस्कान और चुपचाप से स्केच मेरे सामने रखती हुई बोली, ये लीजिए सर, फाड़ दीजिए। हैं हैं, अच्छा, जैसे मैंने औंधी ठोकर खाई हो। रखो ना, रखे रहो। नहीं सर, अब इनमें कुछ नहीं रहा, अब ये सब सिर्फ मेरा रहा कहाँ, अब इन पर उचित अनुचित नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे शोभन अशोभन के थिग्गे चिपक गए हैं, ये सब कुछ भदरंग बदशकल हो गया है। क्या, ये तो मैंने आज तक अपने आप से पूछा ही नहीं, इस अनुभूति के साथ शब्दों की मिलावट कभी हो ही नहीं पाई थी। आई एम सॉरी किरण। सॉरी क्यों सर, वो वैसे ही उदास हंसी, आपने थोड़ी कुछ किया, सब कुछ जैसे निर्दिष्ट था, यह आज का घटित था, पर यह चीज ही ऐसी थी, इतनी बारीक इतनी पारदर्शी कि शब्दों के पत्थर पर गिरते ही चूर चूर हो गई। चलूं सर, एक बार सोचा कहूं, नहीं रुको, मैं भी तो घर ही चलूंगा आखिर, लेकिन फिर रुक गया, लगा नहीं किरण, पहले ही बहुत नुकसान कर चुका हूं तुम्हारा, अब और नहीं, कहा जाओ। वो इसके छोड़ती चली गई उदास बोझिल। कणा, अब अपने केबिन में एकाकी बैठा सोच रहा हूं, अनजाने में मैं कितना बड़ा अन्याय कर गया तुम्हारी बेटी के साथ, उसके अपने नक्षत्र लोक का विलय, उसकी एक नितांत अपनी चीज को चोरी छुपे देख अपनी शनि दृश्य से सब तहस नहस कर डाला। वापस जाती हुई तुम्हारी बेटी की आंखों में पढ़ा था, कणा, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, काश आपने आज ना देखा होता सर, बस, और ढेर ढेर सा दर्द लिए चली गई थी। और वापस जाती हुई वो उसकी अंतिम दृष्टि, कणा कणा ठहरो, ये सच है कि तुम्हारी बेटी अनिंदे अपलक सम्मोहन भरी दृष्टि से मुझे देखे जा रही थी, लेकिन ये वैसी ही दृष्टि थी कणा जिससे कभी मैंने देखा था, और वो एक दिव्य सी भव्य सी दृष्टि थी। ये कैसा मोह बंधन है कणा, इसका किसी नीति किसी संहिता से कोई सरोकार नहीं होता, ये किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, जैसे मेरे मानस का यह सजा संवरा प्रकोष्ठ आज भी वैसा ही जगर मगर गुल मेहंदी वंसा, जब बालों में चांदनी उतरने लगी है और आंखों के आकाश में हल्की धुंध छाने लगी है, इस धुंध के पार देखते हम सोचते हैं, अरे ये इतनी अद्भुत मोहक और अमृतमय रचना मेरी ही है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी मानसी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगी। कल फिर मिलेंगे, आपका समय शुभ हो।